Yes. And see, I can tell you, all of you, just you can see on the screen, one of the great men of our country, very young person, very, very young person. जब आप खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, मार्केट में घूमने जाते हो और चलो भाई मस्ती करते हैं, मूवी देखेंगे, वो एज था उनका, जिन्हों उस एज में उन्होंने सोचा चलो कुछ भारत को देते हैं, कुछ ऐसा देते हैं कि भारत के लोग इंस्पायर हो, भारत के लोग कुछ करें। उन्होंने वो जज्बा दिखाया और 8 साल मेहनत, 8 साल में इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, 8 साल की पेशेंस, 8 साल का धैर्य, कितनी ऊंचाई और कितने डिफिकल्टीज के बावजूद भी उन्होंने भारत के लिए बनाया प्रथम, और उस प्रथम को 2016 में इसरो ने PSLV-C35 से लॉन्च किया। वो हमारे साथ जुड़ गए अभी IIT बॉम्बे से, रत्नेश मिश्रा, इग्नाइटिंग यंग माइंड के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभी तक उन्होंने कम से कम एज पर रिकॉर्ड टिल टुडे 7,500 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो यू मस्ट फील प्राउड ऑन हिम दैट बीइंग ए यंग पर्सन ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द कंट्री। सो ही इज विथ अस एंड वी हैव वन ऑफिसर कनेक्टेड फ्रॉम द इंडियन नेवी ऑल्सो विथ अस, सुजीत कुमार CS सर फ्रॉम केरला, एंड सुजीत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। उन्होंने भी काफी सारे योगदान, उनका चल रहा है अभी ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, उन्होंने पूरे झारखंड में क्रांति ला दी है, लोगों को जोड़ रहे हैं आपस में और काफी सारा ब्लड उन्होंने कलेक्ट किया है। अभी हाल में एक हफ्ते पहले उन्हें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से भी सम्मान मिला है। काफी सारे काम करते समाज सेवा के लिए, काफी सारा उनका एजुकेशन के क्षेत्र में योगदान है, और उनकी टीम का नाम है प्रन्यास, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर वेलकम यू सर फॉर दिस वर्कशॉप, वेलकम एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द वर्कशॉप विथ थैंक मिस्टर यू एंड सो मैडम। मच भाई। तो मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम अभी नेशनल एंथम करने वाले, आप अपने अपने वीडियो भी ऑन कर लें, ठीक है? यस, एंड डोंट ऑन द ऑडियो व्हाइल द नेशनल एंथम इज गेटिंग प्लेड, बी क्वाइट, 1 मिनट रखते हैं जी, थोड़ा सा एरर ऑफ द नेटवर्क। एक मिनट, नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर। हाँ, अगर नेटवर्क की तरफ की वजह से अटक जाएगा तो बाद में प्ले कर लेंगे, ऐसा कुछ देख लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो गया, अभी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चलिए ठीक है, सो सभी तैयार। Growing business need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे एवरीवन यू कैन टेक योर सीट। जय हिंद जय भारत। एंड फ्रॉम मेघालय जाना जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ, मिस जाना फ्रॉम मेघालय, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव योर वेलकम स्पीच। हेलो, यस प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, यस एंड अनम्यूट योर वीडियो आल्सो। Yes, sir. Good morning, everyone. This is Pinti Langchana from Shillong, Meghalaya, and I am a member of Igniting Young Mind. It's my honor to welcome you all here to this workshop to discuss our future plan based on the space technology. I would also like to welcome our chief guest, Mr. Sujit Tiwari, and also welcome Dr. Biju Saha.
who have generously given us their time to ensure that participants enjoy the maximum benefit from this workshop. Igniting Young Mind helps students all over the country to come up with their own innovative ideas and also inspire them in all aspects. We all are unique in our own ways. Just as plants need water for better survival, similarly, every child needs a guide who will show a perfect path for them. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, have proposed our country to be self-reliant or Atmanirbhar. Atmanirbhar Abhiyan is a chance for Indian startups to take charge for the innovation for which we are usually depend on global supplier. You are familiar with the various use of satellite like TV signal, telephone calls, but you may not familiar with how much satellite have helped us to understand and take care of our planet. Satellites that study Earth are not just fancy cameras in space. Many of them have the special instruments that measure lights that our eyes cannot see them. Igniting Your Mind helps students to cope up with the latest technology and also keep them updated in all knowledge based on space technology. Logic will take you from A to B, but imagination will take you everywhere. And if you are walking down the right path and you are willing to keep walking, you eventually will definitely progress and achieve success. You just have to put some effort and dedication from your side. The rest part your mentor will take care of. I trust that you are looking forward for the particularly work intensive and interesting session. I sincerely hope that this workshop will be useful for our future work. We youth are the future of our country. Let's do something recognizable which will make our country proud. Thank you. Thank you, dear. Thank you so much for your mind-blowing speech. And see, you can think that how this Igniting Young Mind is connected now. We have people from Meghalaya, Northeast State. Yes, now I request Sujit Tiwari, sir, to please give the opening speech of today. Sujit Tiwari, sir, can you hear me? Yeah, hello, hello. Please on. Yes, sir, I can hear you, sir. Please on your video, sir, if possible. Sujit Tiwari, sir. Hello. You are on mute. Hello. Hello, Ravi ji. Okay, hello. Yes, sir. आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर और उसके बाद वेलकम स्पीच दीजिए. Am I audible and visible to everybody? Hello. Yes, yes. Very yes, nicely, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So good morning, everybody. We are getting signal from Meghalaya. I can see it's a very cosmopolitan crowd here. I can see it's a very cosmopolitan crowd here, and everybody, happy Navratri to everybody. First and foremost, I'm very much thankful to Igniting Young Mind, which is already doing a very great job for giving me such a platform to speak in between such an enthusiastic lot of people. So today, what I feel is that India has its future in three basic pillars. First and foremost, it's space technology, undoubtedly. Hello. Yes, sir. I can hear you. Continue, sir. Okay. So, future of India, according to me, depends on three pillars. First and foremost, it's space technology, upon which Igniting Young Mind is doing a great job. Secondly, I think Atmanirbhar Bharat is very much necessary for India to be self-dependent, self-reliant, and global leader. Thirdly, I think ये बच्चे जो हमारे ये workshop attend कर रहे हैं, ये भारत का future है। और Igniting Young Mind जो इन तीनों factors को एक platform पे ला रही है, उनके लिए I applaud them and I give them a big round of applause. Thank you so much, Igniting Young Mind. Secondly, आप लोग रांची का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद आता होगा, who is a self-made man. उसी तरह सेल्फ मेड भारत एक फ्यूचर का डिमांड है. हमें ग्लोबल लीडर अगर बनना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा. इस कोविड एरा में भी जैसा कि आप लोगों ने देखा, इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा हिट हुई है और पूरे इंडिया की नहीं पूरे ग्लोब की, और हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट नेगेटिव रेट में चला गया है. इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने
1% ऑफ जीडीपी के नियरली करीब करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज भी लॉन्च किया। उस 20 लाख करोड़ को गवर्नमेंट ने प्लान किया है एक डिफरेंट सेक्टर्स में बाइफर्केट करके बांटने का। उस एट सेक्टर्स में से एक है स्पेस टेक्नोलॉजी। यू पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स एजुकेशन। प्राइवेट सेक्टर्स को अब राइट्स मिलेगा कि वो एक अपने प्राइवेट स्पेस में इसरो की मदद से स्पेस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान दे सके और बढ़ते हुए भारत में अपना योगदान दे सके। तो बच्चों, मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि इस वर्कशॉप को काइंडली आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी इतने टैलेंटेड लोग हैं, रत्नेश जी, रवि जी, कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इतना आप ज्ञान अर्जित करिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, कि आप भारत के फ्यूचर बनाने में बहुत ही काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग स्पीच बाय यू। यस, नाउ आई रिक्वेस्ट, यस नाउ आई रिक्वेस्ट सभी लोग जिनका इंतजार कर रहे हैं कि वो रत्नेश मिश्रा कौन है, जिसका नाम मेंशन किया गया था पोस्टर पर कि रत्नेश मिश्रा इज गोइंग टू टेक अ वर्कशॉप, तो अभी वो आपके सामने होंगे। तो आप दिल थामे हुए थे कब से, और मैं अभी रत्नेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एड्रेस द गैदरिंग। Yeah, so thank you so much, Ravi ji, and thank you, Fitlang, Jana, and also Sujit sir. This is very, very great to connect you all here, and you are anyways, I am connected with Pranyas, and you are doing really a great job, and bahut hi inspiring word for this. Jis tarah se aapne bola ki wo teen pillars jo hum combine karke chal rahe hain. ऑन द सिमिलर लाइन एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि वो जो तीन पॉइंट्स है उन्हीं तीन पॉइंट से एक चीज और तीन पॉइंट्स लिंक्ड है, वो है कि जो डॉक्टर कलाम है, ओके, डॉक्टर कलाम इज एक स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड के महानायक है, ओके, एंड दूसरा उनका हर विजन, हर मिशन, हर चीज, उनका 2020 और आगे के जो सपने, उनके हर सपने और हर स्पीच में दो चीज हमेशा से थी, वो थी यूथ एंड एजुकेशन। तो वो तीन चीज जो है वापस मिलकर यूथ एंड एजुकेशन एंड स्पेस, जो वो खुद उसके, तो ये तीनों को कंबाइन करके ही इग्नाइटिंग यंग माइंड की स्टार्ट हुई है। एंड इग्नाइटिंग यंग माइंड ऑलरेडी, जैसा रवि जी ने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों को हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग की है, और ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया, मालदीव है जहाँ पर हमने किया है, वियतनाम जगह है जहाँ पर हम अभी वर्कशॉप करने वाले हैं। तो इस तरह से हम मैं इस तरह से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप लोग स्पेस और सैटेलाइट की फील्ड में जो भी है, जो भी जानना है या जो भी चीजें हैं, आप गूगल कर सकते हैं या अलग से जान सकते हैं या चीजें पता की जा सकती हैं। बट हम किस तरह की ट्रेनिंग, ये है कि आपको स्पेस और सैटेलाइट एंड ओवरऑल इस फील्ड में क्यूरियोसिटी डेवलप करना कि कैसे वो सैटेलाइट, वो एक कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि डिफिकल्ट है या जो सिर्फ साइंटिस्ट बना सकते हैं, और वो भी साइंटिस्ट किस तरह के, आप जब भी साइंटिस्ट सुनते थे तो आप सोचते होंगे वो आइंस्टाइन की तरह लंबे बाल एंड ऑल दोस, उस तरह के साइंटिस्ट, ओल्ड एज के पूरे लोग जो उसमें पूरा दिमाग कपा चुके हों उसमें, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आप मेरे, आपके जैसे, मेरे और बैचमेट जैसे यंग साइंटिस्ट आपको मिल सकते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उस तरह की क्यूरियोसिटी डेवलप करना आप लोग के बीच में, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। रवि जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे या आई विल गो अहेड? आप बस वो एक वीडियो कर दीजिए, वो जो वीडियो कौन सा डायरेक्ट पीएसएलवी का जो है, जो अपने प्रथम, हेलो रत्नेश जी, जो प्रथम का लॉन्च वीडियो है। हाँ कर हाँ, तो सारे बच्चे अभी वो एक सैटेलाइट का लॉन्च वीडियो है जो मैं आपको पहले, सबसे पहले वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमारी शुरुआत वो टीवी पर, जब मैं अपनी उसे टीवी पर वो देखा करता था दूरदर्शन में, कि वो किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है विद द पीएसएलवी, वो रॉकेट के थ्रू, तो वो ही हमारी स्टार्ट थी। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, या अगर अभी, लेट्स सी,
नहीं आ गया आ गया आ गया, मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ। यस यस, इट्स गेटिंग कनेक्टेड। इसलिए सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि हमारी थोड़ी नेटवर्क जो है ना बहुत वीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कभी कभी, क्योंकि हम लोग सभी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, नहीं दिक्कत आती है कभी कभी। तो रवि जी, जिन बच्चों को हम अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक सैटेलाइट बनाएंगे ना नेटवर्क के। यस 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 यस, दे विल बिल्ड ऑन सैटेलाइट फॉर अस, यस डेफिनेटली। ठीक है, अभी कुछ सारे बच्चे जो है ना रत्न जी, वो बिना डिवाइस के जुड़े हुए हैं, उनके पास डिवाइस नहीं है। स्क्रीन विजुअल है ना रत्न जी? नहीं, आ जस्ट अभी वेट। रत्न जी स्क्रीन दिख रही है ना? यस स्टॉप प्ले कर दी। ओके ओके। The remaining two satellites, Pratham from IIT Bombay and PISAT from PES University Bangalore, are from India. The main objective of Pratham is to estimate the total electron count, TEC, with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Have a feel of the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed just 10 seconds later the separation of PISAT satellite built by the students of PES University Bangalore. जी हाँ, वैसे कई उपग्रह इसरो भारतीय। जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग, प्रथम भी सेपरेटेड। यस रवि जी, थैंक यू। तो आप सभी ने जैसे देखा कि वो लॉन्च का वो वीडियो, वो एक दिन का पार्ट जिसके लिए आप इतनी टाइम की मेहनत, वो और आप जब वो काउंटडाउन हो रहा होगा तो आप वो फील कर सकते हैं कि आप ऐसा समझिए कि आपके द्वारा बनाया गया सैटेलाइट वो उस टॉप पे रखा हुआ है। आपको किस तरह का फील, किस तरह की इमोशंस, एडवेंचर, थ्रिल उससे जुड़ी होंगी, उससे लिंक्ड होंगी, वो एक चीज को दिमाग में, वो एक दिन का सपना देखकर जो 4 साल 8 साल काम किए गए अलग अलग लोगों से, तो वो चीज है। तो इसके लिए मैंने पहले वो आपको वो वीडियो दिखाया, तो डेफिनेटली आप सभी मुझे लग रहा है कि क्यूरियस होंगे, आपको अपना खुद का सैटेलाइट और खुद की वो चीज वो वहां टॉप पे रखी हो उसका सोचने के लिए। तो चलिए मैं आप सभी, मैं कुछ वीडियो देख पा रहा हूँ, तो आप अगर एक दो क्वेश्चन है आप या तो चैट बॉक्स में मैसेज करिए या ऐसे रेज करिएगा है। ओके, तो पहला चीज एंड सभी से, सुजीत जी आप भी एंड बाकी सब, तो जो भी पेरेंट्स हैं जुड़े हुए उन सब से, कि आप सभी ने अपने बचपन में अपने चाइल्डहुड में क्या ये सपना देखा था कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, आई विल रोम अराउंड द होल वर्ल्ड। ओके, दुनिया घूमने के सपने किसी ने कभी भी, मतलब अपने बचपन में जो भी पेरेंट्स भी हुए उनसे जुड़े हुए वो सब लोग। ओके, एंड दूसरा चीज मैसेज बॉक्स में यस और नो डाल सकते हैं जिनको भी इसके बारे में कुछ बोला है। एंड दूसरा चीज कि आप सभी ने कहीं ना कहीं या कभी ना कभी बचपन में ये सपना देखा होगा कि मैं आसमान छूऊंगा, राइट? तो वो दोनों चीजें, ठीक है, वो दोनों चीजें, मैं उस एक प्रोजेक्ट का पार्ट रहा, राइट? वेरी राइट। तो ये दोनों सपने जो आपने सोचे देखे वो मैंने पूरे किए कि नहीं पता नहीं, बट मैं उस प्रोजेक्ट का पार्ट था, प्रथम जो स्टूडेंट सैटेलाइट आईआईटी बॉम्बे ने बनाया वो पूरी दुनिया घूम रहा है एवरी 90 मिनट्स। ओके, हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर। एंड दूसरा, उसने नॉट जस्ट आसमान छूना वाला, इट टच द स्पेस। ओके, तो ये दो चीज जो हर किसी का सपना होता है, हर किसी के बचपन से वो सपना, वो चीज का पार्ट अब जब आप बनते हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो इसीलिए हम इस जर्नी को जर्नी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, सपनों की जर्नी कहते हैं।
जर्नी सिर्फ मेरे सपने नहीं, सिर्फ इससे जुड़े हुए लोग नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग, कम्युनिटी, कंट्री। तो आप जब इस फील्ड में काम करते हैं तो देश के सपने, आप सभी जानते होंगे कि आज कुछ एक साल पहले जब चांद पे जो मिशन था, जब वो लैंडिंग का, तो आप जानते हैं कि पूरा देश रात के 2 बजे तक जागा था वो चीज देखने के लिए, वो जानने के लिए, वो करने के लिए। तो इस फील्ड के वो काम आपको इस तरह से लिंक करते हैं कि सिर्फ आपके सपने नहीं, ये पूरे देश के लोगों के लिए वो जुड़ा होता है और वो लिंक्ड होता है। तो यस, तो इस तरह से स्पेस जो है, स्पेस की फील्ड आप लोग के लिए, आप सभी बच्चे उन फील्ड में कहीं ना कहीं से कुछ जानते हो या लिंक हो, ये एक आपके लिए ड्राइंग बुक की तरह है। आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ अंधेरों पे भी फोकस करेंगे, आसमान के अंधेरों पे भी, तो हो सकता है आप नए ब्लैक होल खोल सकते हैं या नए ब्लैक होल की रिसर्च आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सन पे फोकस करेंगे तो क्या पता कोई आप में से नए सौर्य मंडल, लाइक नया सोलर सिस्टम या नया अर्थ खोज सकते हैं। और यू हैव अर्थ, स्टार्स, एवरीथिंग। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कोई लिमिट नहीं रखता, जो आप कहीं भी एंड टू एंड चीजें रिसर्च कर सकते हैं इस फील्ड में। तो यस, इसलिए वो स्पेस की इम्पोर्टेंस है। एंड डेफिनेटली जो सुजीत जी ने बोला कि किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है इंडिया के प्रोग्रेस डेवलपमेंट में, तो यस रवि जी, आप yes. वो फोटो शेयर कर सकते हैं सैटेलाइट का? एक मिनट नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी को हम ये सारे फोटोज पिक्चर्स में शेयर कर दूंगा कि रत्नेश जी हो जाएगा, 2 मिनट रुकिए, आप करते रहिए, मैं कर देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत। ओके, तो ये पूरी स्टार्ट कैसे हुई? ये स्टार्ट ये एक आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो कम्प्लीटली बिल्ड बाय स्टूडेंट्स है। एंड मैं उसमें अपने 4 साल का जो योगदान है, फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, वो किया। एंड कई जनरेशन ऑफ टीम लीडर्स इस पे काम किए। सो आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ देम टू हैव वो लॉन्च इन माई टेन्योर 2016 26 सितंबर को। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारी और टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी कि हम ये भी कर सकते हैं। तो द टीम लीडर्स केम अप विद वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट या इसरो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, ऐसा क्यों? मतलब वाई नॉट वी डेवलप द सैटेलाइट एज ए स्टूडेंट? ओके, तो वो एक सिंपल क्वेश्चन, एंड उसका इतना रिवॉल्यूशनरी आंसर कि मैं आज आपके सामने बैठकर उसकी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ एंड उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आप, मैं चाहूंगा कि आप जो भी स्कूल कनेक्टेड हैं, जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं, क्या इस वर्कशॉप के बाद वो ये सोच सकते हैं कि मैं क्यों नहीं बना सकता? अच्छा, ये तो उन कॉलेज के बच्चों ने बनाया था, मैं स्कूल के बच्चे होकर क्यों नहीं बना सकता या क्यों सैटेलाइट पे काम नहीं कर सकता? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन जो है, जो आप जरूर इससे सोचिए। एंड जैसे कि रवि जी ने पहले भी बताया होगा, तो इग्नाइटिंग यंग माइंड के थ्रू हम बहुत सारे इसरो के विजिट भी करवाएंगे जैसे ही कोविड की चीजें नॉर्मल हो जाए। तो इसरो के विजिट एंड सैटेलाइट बनाने में किस तरह से हेल्प की जा सकती है कि आप एक और सैटेलाइट है जो आप जानते होंगे, कलाम सेट। तो वो स्कूल के बच्चों ने बनाया है केरला में, तो वो स्कूल के बच्चों, तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यस, उसी एक सिंपल चीज का आंसर खोजिए। एंड तो जैसा आप जानते हैं कि सैटेलाइट जो था, तो ऑब्वियसली सैटेलाइट, आप जैसे बच्चे जो अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ यस रवि जी, अभी स्क्रीन दिख रहा है, अभी होगा। तो जैसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनमें डेफिनेटली आपको आपके साथ जो पार्टनर हैं, टीम है, वो चीज की जरूरत होती है। तो विजुअल, हाँ यस यस, तो ये यहाँ पर जाने का, हाँ जैसा आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं कि IIM जो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स है, वो काफी जगह वर्कशॉप कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी हमने टोटल 25 वर्कशॉप डिफरेंट स्टेट्स में कर चुके हैं।
यस रवि जी, आप आगे जाइए। प्रथम सैटेलाइट का जो फोटो है, इसके बाद तो ये यस आगे चाहिए कभी जी। जो गोल्डन लेयर आपको उसमें दिखेगा सैटेलाइट। हाँ ओके ओके, हाँ समझ गया समझ गया। यस यस, दिस इज राइट राइट। यस 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 राइट। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये वो सैटेलाइट है, फाइनल सैटेलाइट जो स्पेस में गया एंड जो लॉन्च व्हीकल पे रखा गया। आई वाज द लकी टू प्लेस दैट ऑन द रॉकेट का जो लिंक है वहां पर रखा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो फील। तो इसलिए यस, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बहुत सारा उसका उसके ऊपर की गोल्डन लेयर फॉर प्रिवेंशन, स्पेस के रेडिएशन से बचाने के लिए सोलर पैनल्स आप उसमें देख। तो ये एक जैसा आपके पास आप एनर्जी लेते हैं खाने से अपने को चलाने के लिए, सिमिलरली सैटेलाइट लेता है एनर्जी सन से, सोलर पैनल के थ्रू। आपके हाथ कान सेंसर्स होते हैं एक आपको एक्शन करने के लिए, तो उसी तरह से सैटेलाइट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आप ये हम चीजें इसलिए कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट और स्पेस की चीजें हमारे आसपास के डेली एक्शन, हर उस एक्शन से लिंक हो सके। उस तरह से जब आप सोचने लग जाए तो सैटेलाइट इज नॉट वो रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट सिंपल सैटेलाइट विद एवरीथिंग अराउंड यू, हर चीज जो आपके आसपास की डेली एक्शन से वो। यस सर जी, क्या नेक्स्ट करने का? नीचे यस, तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो मैंने कहा था कि हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज, तो इतने सारे जो लोग हैं जो आपने देखा कि किस तरह से वो पूरी टीम, वो एक लॉन्च व्हीकल जिस दिन लॉन्च था उस टाइम की फील वो चीजें हैं। यस, एंड जैसा कि हर हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट विजन और मिशन होते हैं, तो प्रथम जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉन काउंट मेजर करता था, जैसे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर होती है तो उनमें से वहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट मेजर करता है, जिससे हम सुनामी प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, हम बहुत सारी एप्लीकेशन उससे किए जा सकते हैं। तो ये उसका सीजन है। यस सत्य जी, हाँ जी। तो जनरली हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कहते हैं ना, ये क्या रॉकेट साइंस है, तो ये है एक्चुअली वो रॉकेट साइंस, जिसमें इस तरह के ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों में आप बस नाम लीजिए इस तरह के चैलेंजेस इन्वॉल्व। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी क्वालिटी विजन एंड प्रोफेशनलिज्म, ये चीजें क्यों जरूरी है एंड क्यों इससे लिंक्ड है। सिंपल सी चीज ये है कि जैसे आप सैटेलाइट बना रहे हैं जो स्पेस पे जाने वाला है, जो रॉकेट में रखा जाने वाला है, आपका सैटेलाइट हो सकता है 1 करोड़ या 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो ओवरऑल, बट वो जिस रॉकेट में रखा जाने वाला है वो है 500 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट। ओके, एंड सिंपल सी चीज कि आपके सैटेलाइट का कोई एक आध क्रू या कुछ चीजें स्टार्टेड हिटिंग द रॉकेट, ओके, तो आप वो इमेजिन कर सकते हैं वो प्रेशर, वो फील, कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से कंट्री का इतना बड़ा रॉकेट नुकसान कुछ ना हो, कुछ वो चीजें लिंक ना हो। तो इसीलिए वो लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड क्वालिटी जरूरी। एंड हम सब ने जब स्टार्ट किया तो इसी तरह से हमें कभी ये नहीं पता था कि सैटेलाइट कैसे बनाना है, इसरो के सामने क्या बात करनी है, क्या चीजें हैं। एंड देन धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हुई कि हम उस लेवल तक अचीव कर पाए। तो जब भी आप में से कोई इसरो जाएगा तो आप वहां पर उनके सामने एक बोर्ड होता है हमेशा, उसमें लिखा होगा कि 0 डिफेक्ट इन स्पेस सिस्टम। ओके, तो फॉर द सिंपल रीजन कि वो स्पेस की फील्ड में कोई भी चीज कंप्लीटली 0 डिफेक्ट। ओके, ऐसा सिंपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर पे कुछ टेबल है, चेयर है, या चलिए लैपटॉप है, तो उसमें से कोई चीज अगर खराब होती है तो आप क्या करते हैं? ओके, आप जनरली मेंटेनेंस वाले के पास जाते हैं, सर्विस सेंटर जाते हैं, या किसी सर्विस पर्सन को बुला लेते हैं चीजें करने। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर सैटेलाइट में ये चीजें होंगी तो क्या आप सोच सकते हैं कि यू विल कॉल इसरो और एनी नासा पीपल, भाई मेरा सैटेलाइट ऊपर खराब हो गया, उसमें कुछ चीजें जाओ और सही करो? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए फॉर सिंपल रीजन स्पेस आपको दोबारा मौका नहीं देता वो चीजें करेक्ट करने का।
तो जब एक बार वो चीजें स्पेस में चली गई सो इट इज डन, वन सेंट इज सेंट, ओके। एंड आप तो इसीलिए यू हैव टू बी परफेक्ट एट वन। तो यस यस रवि जी नीचे जाइए जी नीचे। यस तो आप ऐसा ये पिक्चर देख सकते हैं, ये सैटेलाइट के अंदर की पिक्चर है जिसमें बहुत सारे वायर्स और उनका इंटीग्रेशन है कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। एंड इस पूरे को असेंबल करने के लिए हमें 2 दिन लगता था वो चीजें। एंड हर बार किस तरह से प्रिसाइजली किया जाता है तो ये है। एंड आप पिक्चर में जैसा देख रहे हैं ये स्टोरी जो है, ये जो जर्नी है, ये एक दिन की नहीं है कि आज आपने किया और कल, ये एक हफ्ते की नहीं है, ये एक महीने की भी नहीं, इस ना कि एक साल की, ये जर्नी है 8 long years फ्रॉम 2008 से लेके 2016 तक। कई जनरेशन ऑफ पीपल वर्क इन इट, एंड सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं, अ कंटिन्यूस वर्किंग ऑफ इट। हमारे डेली रूटीन जो आप अपार्ट फ्रॉम क्लास, ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली वॉलंटियर, इसके लिए हमें कोई पेमेंट पेड नहीं थे, हमें कोई ग्रेड नहीं थी, हमें कोई चीजें नहीं थी। ये सब चीजें जो है आप अपने अंदर से, अगर आपको है कि ये चीजें करना है एंड वो सपना आपने देखा है, तो उस प्रोसेस का पार्ट बनकर ये चीजें की गई। आपको मैं एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें जो वो पर्सन है जिसने ये स्टार्ट किया था, रवि जी सप्तऋषि जी की फोटो दिखाई। यस यस विजुअल है ना। तो आप सभी ये फोटो है, ये पर्सन है जो अभी नासा में काम कर रहे हैं, नासा की जेट प्रोपल्शन लैब है जहां पर ये काम कर रहे हैं और अपना स्पेस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था 2008 में और वो सिंपल इसी तरीके से स्टार्ट हुआ कि वो कहीं किसी वर्कशॉप में, उन्होंने बाहर की वर्कशॉप में सुना कि कुछ बच्चे सैटेलाइट का चीज काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो सेम चीज क्यों नहीं हम इंडिया में कर सकते हैं या इंडियन स्टूडेंट कर सकते हैं। तो वो एक सिंपल सा थॉट एंड दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड इसके बाद जो कई सारे जनरेशन, रवि जी नेक्स्ट। ओके हाँ यहाँ जाने का। यस तो ये डिफरेंट जनरेशन ऑफ लीडर्स हैं जिसमें ऑन द राइट मोस्ट यू कैन सी मी द यंगेस्ट ऑफ ऑल। एंड आई वॉज लकी इनफ टू गो टू शार एंड श्रीहरी कोटा जहाँ से एक्चुअली लॉन्च होती हैं चीजें। आप वो टीवी पर देखते होंगे वो एक एरिया जहाँ से पूरी लॉन्च होती है चीजें इसरो के लॉन्च व्हीकल्स, वहां तक जाने का जो मौका मिला और वहां पर जो सैटेलाइट रख के आप अपना सिस्टम वहां रख के आ रहे हैं, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने वहां पर जब हम एज ए मेमोरी कुछ कुछ सैंड और वो स्वदेश मूवी आपने देखी होगी, तो उस तरह से हमने वहां से सैंड एंड कुछ चीजें कलेक्ट की थी कि किस तरह से वो मेमोरी आपसे लिंक्ड है, आपके सपनों से लिंक्ड है। तो वो एक उसका पार्ट ये चीज बना। एंड ये हमारा पहला स्टेप था टूवर्ड्स द इंफिनिटी, टूवर्ड्स वो आसमान का हमारा फर्स्ट स्टेप वॉज थ्रू दिस प्रथम सैटेलाइट। एंड डेफिनेटली आगे के स्टेप्स वी आर कवरिंग इट थ्रू इग्नाइटिंग यंग माइंड, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली और वो हम दूसरे बच्चों तक पास कर सकें एंड वो खुद अपना सैटेलाइट बना सकें एंड उसके बारे में सोच सकें, उससे क्यूरियस हो सकें, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कई सारे ऐसे स्कूल एंड कॉलेजेस जो जो इन वर्कशॉप से इंस्पायर होकर उन्होंने खुद का ग्राउंड स्टेशन बनाया, खुद की सैटेलाइट भी बनाई। तो ग्राउंड स्टेशन ये होता है कि जब आप सैटेलाइट से कुछ सिग्नल रिसीव करते हैं तो वो अर्थ पर कैसे आता है, तो अर्थ पर कैसे रिसीव, जैसे आपका डिश एंटीना है जो टीवी की सिग्नल कैच करता है, सिमिलरली सैटेलाइट के लिए ग्राउंड स्टेशन बनता है। एंड फॉर द सिंपल रीजन कि सैटेलाइट आपको हिंदी इंग्लिश या मराठी में लैंग्वेज में सिग्नल नहीं भेजेगा। अगर आपने राजी मूवी देखी हो तो उसमें डॉट डैश के फॉर्म में जो कोड होता है तो उस कोड में ये सिग्नल भेजा जाता है। एंड ये प्रथम का सिग्नल जो है वो ओवरऑल पूरे देश, पूरे विदेश में भी भेजा गया था। एंड जब 26 सितंबर को ये लॉन्च हुआ
तो उसके बाद हमने वो सिग्नल बहुत सारे वर्ल्ड के प्लेसेस में, जापान, नीदरलैंड, फिनलैंड, वो सब जगह वहां पर वो सिग्नल रिसीव हुआ। एंड आपको मैं कुछ लॉन्च के बाद की सक्सेस स्टोरीज दिखाऊंगा किस तरह से। रवि जी आप आगे वो पिक्चर दिखाइएगा जहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट हैं। अच्छा, हाँ यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी, यस यस रवि जी आप कुछ इस पर बताना यस चाहेंगे? यस। मैं बच्चों आप सभी से यही शेयर करना चाहूंगा कि आप जो देख सकते हैं यहाँ पर फोटो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने जब एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग की खबर सुनी तो उन्होंने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और माननीय प्रधानमंत्री जी IIT बॉम्बे विजिट करके इन सभी सदस्यों से मिले। और बस यही इंस्पिरेशन है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स का और जो हमारे प्रेसिडेंट है रत्नेश मिश्रा जी का, कि अब इस सैटेलाइट का जो हमने अध्ययन किया, जो हमने बनाया है, कैसे करके लोगों तक पहुंचाया जाए, उस बारे में वो काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी टीम आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर एक सस्पेंस वाली घटना है जो आपको रत्नेश जी क्लियर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के गवर्नर है जो उन्होंने स्वागत के लिए इन्हें बुलाया था, और उसी समय कुछ सस्पेंस की घटना जो रत्नेश जी आपको एलोबोरेट करेंगे। यस रत्नेश जी, यस यस उसके पहले बिल्कुल। तो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप एक देख सकते हैं यहाँ पर एक रॉकेट है जो PSLV C-35 है। तो सैटेलाइट कहाँ पर होती है, सबका क्वेश्चन नहीं रहता सैटेलाइट कहाँ पर होगी। तो सैटेलाइट हमेशा टॉप पर होती है, इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, तभी हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि सैटेलाइट जो ये है, जो नोज पोर्शन है जहाँ पर सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है, एक्चुअली ये PSLV C-35 रॉकेट है जिसमें 4 स्टेज होते हैं, 2 लिक्विड स्टेज और 2 सॉलिड स्टेज। और ये जो पिक्चर है श्रीहरिकोटा का है, आंध्र प्रदेश का, जहां से ही सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। यस रतन जी, यू कैन कंटिन्यू। यस यस रवि जी, या तो बिल्कुल जैसा कि आपने बिल्कुल सही बोला, और आप ही की लाइन में एक ये करूंगा कि टॉप पे ही दिमाग होता है, तो उसी तरह सैटेलाइट है टॉप PSLV के जो इसका मेन फंक्शन। तो आपको एक रवि जी आप स्क्रीन शेयर, ओके स्क्रीन नहीं शेयर होगा, यस दिख रहा होगा, बस वाला है, बस वाला पिक्चर। बस यस ओके यस यस बिल्कुल बिल्कुल यस आई कैन सी दिस। तो आपको एक छोटी सी ये पूरी जर्नी एक मूवी की तरह है, उसका वन ऑफ द क्लाइमेक्स सीन आपको बताना चाहूंगा कि जब हम हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 26 सितंबर को, तो आपने वो पिक्चर देखी कि किस तरह से लोग इतने क्यूरियस थे लॉन्च का वो टाइम। एंड जब जब लॉन्च के बाद, तो लॉन्च मॉर्निंग में अराउंड 9 से 10 के बीच में जो लॉन्च हुआ PSLV का, आपने वो लॉन्च वीडियो देखी कि किस तरह से वो अनाउंस करते हैं सारी चीजें, प्रथम सेपरेटेड PSLV लॉन्च एंड वो काउंटडाउन, ये सारी फील के साथ, वो टॉप के क्यूरियोसिटी के बाद हर बार सैटेलाइट जो है 2 से 3 बार सिग्नल भेजता है अर्थ पे। तो हम वो सिग्नल रिसीव करने के लिए वेट कर रहे थे, जो कि रात को पहला सिग्नल आने वाला था प्रथम से अर्थ पे। तो उस दिन हमने वो पूरा वेट किया, एंड रात को वो सिग्नल जब हमने ट्रैक करने की कोशिश की तो वो सिग्नल नहीं रिसीव हुआ हमें। तो आप समझ सकते हैं कि वो इमेजिन वो एक चीज जो जिसके लिए आपने इतना काम किया, एंड फिर आप जब को नहीं आया वो सिग्नल, तो आपको ऐसा इतनी सारी चीजें, इतने सारे थॉट्स कि किस तरह से क्या फेल हो गया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड इन द सराउंडिंग ऑफ इतना प्रेशर जिसमें मीडिया के लोग कंटिन्यूअसली। तो आपको जैसा आपने यहाँ फोटो देखा, ये जस्ट कुछ फोटोज हैं जो हैं जिसमें महाराष्ट्र गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट हैं, चीफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स के ट्वीट थे, चीजें थी जो विशेष थे, एंड ऑल द मीडिया फॉर नेक्स्ट 1 वीक कंटिन्यूअसली अलग अलग जगह से लोग कनेक्ट कर रहे थे। तो उस सब के प्रेशर के बीच में देवे रास्किंग की सिग्नल आया कि नहीं आया, रिसीव हुआ कि नहीं, क्योंकि वो सक्सेस है। वरना आपने ऐसा, आप इमेजिन करिए कि आपने एक पत्थर फेंक दिया जो कुछ सिग्नल नहीं भेज रहा। तो उस तरह की चीजें इमेजिन हुई, एंड फिर हमने अगले दिन वापस ट्राई किया। तो अगले दिन एक अच्छी चीज ये हुई कि हमें महाराष्ट्र गवर्नर से इनवाइट हुआ पूरी टीम को वो फेलिसिटेट करने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके स्टेट के टॉप मोस्ट पर्सन इज इनवाइटिंग यू
फॉर द फेलिसिटेशन, तो वो जो फील है, वो जो इमेजिन, वो जो थिंग है, बट स्टिल हर हर इंसान को अगर वो होगा तो वो खुश होगा ये चीजें जानकर सुनकर, बट वी वेयर नॉट, मतलब हम उतने खुश नहीं थे, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि हमने जिस पे काम किया था उसका हमने सिग्नल नहीं मिला। तो फिर अगले दिन हमने ये बस, आप देख सकते हैं जो एक रेफरेंस है कि जिसके थ्रू, तो इसको हम टमटम कहते थे आईआईटी बॉम्बे, एंड इसमें पूरी टीम वी वेयर गोइंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट प्लेस। एंड उस जर्नी पे हमें एक मैसेज आया यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से, लंदन से ये मैसेज आया कि हमें आपके सैटेलाइट से कुछ डेटा मिला है, अभी ये आपका है नहीं है, क्या है, क्या सही है क्या गलत है, आप एक बार चेक करिए। तो जब हम वहाँ गए, गवर्नमेंट का मीटिंग हुआ, उसके बाद जब हम वापस आ गए, तो जब हमें वो फाइल, ऑडियो फाइल होती है, आप यहाँ नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो वो जो जब फाइल रिसीव होती है तो उसको हम डिकोड करते हैं, तो जब डिकोड करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि जब हर डॉट डैश का एक मतलब होता है, तो जब उसको डिकोड करेंगे तो ऐसा लिखा आता है कि दिस इज प्रथम आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट। ओके, तो वो जो जब ऑन द जर्नी जब हमें वो रिसीव हुआ, ठीक है, आप समझ सकते हैं वो एवरी बिट ऑफ डाउनलोड ऑफ दैट ऑडियो फाइल फॉर्म्ड अप हमारा हार्ट रेट। एंड जब वो हमें रिसीव हुआ और जब कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ने ये कंफर्म किया कि आफ्टर डिकोडिंग कि हाँ यस दिस इज योर सिग्नल, दिस इज योर सैटेलाइट सिग्नल, तो वो जो फील, वी ऑल टीम मेंबर्स इन द बस टुगेदर, वी आर ऑल इमोशनल क्राइंग और ऑल दोस, वो फील जो आप समझ सकते हैं कि वो चीज जिसके लिए आपने काम किया इतने 8 साल, एंड वो आपको रिसीव हुआ, आपको अचीव हुआ। एंड इस तरह से वो जर्नी, वो 2 दिन के अप्स एंड डाउन्स इवन आफ्टर द लॉन्च की बाद वो चीजें वहां पर हुई, एंड फिर लेटर वी वो सिग्नल हमारे एंड पे भी रिसीव हुआ एंड हमारे ग्राउंड स्टेशन पे भी हुआ, एंड देन फिर ऑल ओवर, जैसा मैंने आपको बोला, ब्राजील, जापान, नीदरलैंड, फिनलैंड, एवरीवेयर वो सारे सिग्नल रिसीव हुए ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, विद दिस मैसेज कि दिस इज प्रथम आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट, तो आप समझ सकते हैं वो एक चीज पूरे दुनिया में रीच हो रही है आपका वो सैटेलाइट के थ्रू। तो ये चीजें इस तरह से इसका कंप्लीट हुआ पूरी जर्नी सक्सेस की। एंड तो यस, आप सभी को मैं इस तरह से एंड करना चाहूंगा कि मेनली इस स्पेस एंड सैटेलाइट की फील्ड में 3 तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं। स्पेस में एजुकेशन की फील्ड में कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली इग्नाइटिंग एंड माइंड सपोर्ट कर रहा है, उसमें आपको कहीं भी तरीके से स्पेस की फील्ड है, लर्निंग या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से जुड़ना चाहें तो वो कर सकते हैं। दूसरा, आप बहुत सारे ऐसे इसरो के मिशन स्पेस की फील्ड में, चंद्रयान, मंगलयान, नए मिशन गगनयान जो आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसके थ्रू आप बहुत सारे इसरो, डीआरडीओ, एचएएलएनएल, डिफेंस के फील्ड्स हैं, इनसे जुड़ के अपना योगदान दे सकते हैं, इनके साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप खुद अपने उस पे, अपने स्पेस की फील्ड में अपना इसरो, नासा खुद डेवलप कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं मैं खुद का पूरा स्पेस सिस्टम डेवलप करूँ। तो जैसे मैं अभी एक स्टार्टअप का पार्ट हूँ जो एनर्जी की फील्ड में काम करता है, तो इसी तरह से आप लोग खुद एक स्टार्टअप सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं जो इस फील्ड में हो। तो ये मैं तरीके हैं जिनसे आप स्पेस की फील्ड से जुड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यस, बट हाँ, इन सभी चीज़ों के लिए जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर कलाम के जो हैं वो एक पर्सन जो रामेश्वरम से निकल कर अपने एक नॉर्मल से नाविक का बेटा, अपने दम पर, अपने सपनों के दम पर इस पूरे स्पेस फील्ड का महानायक बनकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन बनकर अगर वो रह सकता है, काम कर सकता है अपने सपनों के दम पर, ये इतना अचीव कर सकता है एंड कंट्री को वो इतना अचीव करवा सकता है। तो यस, सो डेफिनेटली आई विल एंड अप विद दिस कि यू ड्रीम इट टू डू इट, एंड यस, सो इस तरह से थैंक यू सो मच। या ओवर टू यू रवि जी। हेलो, हाँ रवि जी, अभी आवाज आ रही है। यस, थैंक यू, थैंक यू। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसरो के महानायक जो चंद्रयान 2 में आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था तो के सी बंसल
उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने गले मिलाया था। आप देखो कि के सिवन सर सब जब ने जब नाम सुना कि आईआईटी बॉम्बे के बच्चों ने सैटेलाइट बनाई है तो वहां पर खुद आए विजिट करने को और रत्नेश जी को सम्मानित करने को। आप देख सकते हो कि ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं इसरो के डायरेक्टर के सिवन और जो अभी रत्नेश जी ने आपसे जो डिस्कस किया कि किस तरह से अब्दुल कलाम ने एक विजन देखा था इग्नाइटेड माइंड्स, मतलब किस तरह से आप भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हो, सुपर पावर बना सकते हो। और इग्नाइटिंग यंग माइंड्स से वर्कशॉप इसलिए कंडक्ट कर रही है कि आपके अंदर वो क्षमता डेवलप करने की, आप खुद की एक स्पेस एजेंसी बनाओ इसरो और नासा की तरह, खुद की डेवलप करो। हमारा फ्यूचर में भी प्लान है कि हम भारत में एक स्कूल चालू करने वाले हैं जिसमें हम भारत के सभी राज्यों के बच्चे, भारत ही नहीं विदेश के सभी राज्यों के बच्चों को उससे कनेक्ट करने वाले हैं, उनको सैटेलाइट के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये आपका वर्कशॉप का फर्स्ट फेज है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बताते हैं, इसके बाद टेक्निकल फेज होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलते रहेगी। यह सुजीत कुमार सी एस सर, कैन यू हियर मी फ्रॉम केरला? हेलो सर, कैन यू हियर मी? सुजीत कुमार सी एस सर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आई थिंक इज माइक इज ऑफ, ही इज नॉट देयर। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ही हैज गॉट डिसकनेक्टेड। रत्ने जी कॉल कर ले क्या उनको एक बार? यस कॉल कर लीजिए, नहीं तो लैला मैम है क्या या विद्युत सर? नहीं, वो उनको इंडियन नेवी वाले थे ना, कॉल करने का उनको। जी एक बार कनेक्ट कर लीजिए, एक बार मैं बात करता हूँ। यस, तो आप लोग जो देख रहे हो जो वर्कशॉप कंडक्ट किया गया इसका मेन विषय है कि आप सभी को आत्मनिर्भर बनाना। Yes, Leela ma'am, can you hear me? Hello, Leela ma'am. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, please give a short of speech on vote of thanks. Because okay, I think sir is not getting that. Yes. All right. It's a very, very good morning to each and everyone present over there. We are really happy that you have already organized a very good workshop and you have already been listening to Ritnesh Mishraji, who was among the students, those who have already made the first student satellite, that too in India. So we Indians are not backward. We, whenever we decide to do something, where there is a will, there is a way. My dear students, as well as the people, those who are listening to me, you can do it. Because when Ritnesh Mishraji was telling about the first satellite the students had already made, he was telling that he was really feeling lucky. But this particular moment, the people, those who have already attended the workshop, they might have to the thing that you are lucky because you have already come to know about what were the different things they had already experienced when they were preparing their first satellite, how they made it, how it made it successful, and how they were appreciated, and how they are inculcating the same spirit in the people as well as young minds of our country. You know very well that our Prime Minister's particular purpose or aim is to make our India self-reliant, Almanarbar for it. Because of the vision and mission of our Dr. APJ Abdul Kalam, who is known by the name Mission Man of India as well as the people's president. That was the reason why our manager Ravi Chandra sir has already got this particular vision.
strength to ignite the young mind. You are the rulers of tomorrow. When you will be enriched and empowered, you will be installed and instilled, you will be imbibed and already been insisted. You can do it, because young minds are the source. Whenever we sow the seeds of inspiration, whenever we sow the seeds of future oriented things, surely you can easily make it, and you can easily make our dream to be a reality. I believe that today's dream, tomorrow's reality. All the best for each and everyone, those who have already prepared this workshop. At the same time, from the bottom of my heart, I extend my particular thanks to Rajneesh Mishraji for inspiring the young minds to put their best efforts to make the satellite. As we had already told you people, that the people of Kerala had already made the satellite in different parts of the country. The children, those who are attending the workshop organized by Igniting Young Minds, they are inspired and they are trying their level best to put their best efforts so that they will be able to make a satellite, just like our aiming scientists, Rajneesh Mishraji, yes, Sanvi, Manavi Chavan, all of the people, those who are trying to make our India self-reliant. So you can be also a part of it. Your contribution is awaited for. Have a nice day. Thank you so much to each and everyone, and may God bless you all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So I request all the people that we are going to stop the meeting right now. Unfortunately, one of the Indian Navy officer, he lost the connection, internet connection. आप सभी जानते हो कि हम लोग सभी नेट से कनेक्टेड है, तो उनका नेटवर्क में थोड़ा इशू आ गया, इसलिए सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे. बट डेफिनेटली इन फ्यूचर जरूर उनको हम आपके साथ लाएंगे. भारतीय नौसेना का ऑफिसर थे हमारे साथ जुड़े हुए, पर अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क का इशू है, इसलिए वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे. तो मैं यहीं पर मीटिंग समाप्त करने जा रहा हूँ. तो आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि आप मीटिंग के लेफ्ट होने वक्त आप एक बार अपनी माइक को ऑन करेंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, और मीटिंग लेफ्ट करेंगे. या एक ही बार में सभी लोग माइक ऑन कीजिए, हम एक बार बोलेंगे भारत माता की जय. सभी लोग अपने अपने माइक ऑन कीजिए, सभी लोग अपने माइक ऑन कीजिए, सभी लोग भारत माता की जय. भारत माता की जय. करते वक्त बोले भारत माता की जय, अपने वीडियो ऑन कर ले और भारत माता की जय बोलते हो. भारत माता की जय. भारत माता की जय. फुल साइड से कोई भी बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं. भारत माता की जय. 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 यस, सभी बच्चे माइक म्यूट करो. भारत माता की जय. यस सर, प्लीज स्पीक सर. भारत माता की जय. हाँ सर बोलिए. हाँ सर. यस सर, आई कैन हियर यू. आई कैन एबल टू से दैट इट्स एन अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन ऑफ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग टू द इग्निटिंग यंग माइंड्स व्हिच इज गिवन बाय द इंट्रोडक्शन बाय द रितेश सर. एंड एज वेल एज आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द chief guest, honorable chief guest, and as well as the persons who are participated in the particular program of the satellite program. So I'm very much thankful. And what is the motivation is given for the students? Maybe it is going to be happening in the future. All the details which we can maybe. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for your inspiring speech. Now everyone can leave the meeting.
because meeting has been closed.